अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सॉरी। जहाँ तक NICU, let me start with the doctors. Doctors, nurses, paramedical staff, सबका अवली तरजीह है, और जो सिंध हुकूमत की बजट है, जैसे मैंने कहा, कम वसाइल होने के बावजूद, रिस्ट्रेंट्स होने के बावजूद, आपका जो बजट है 90% से ज़्यादा हम सैलरीज में और तनख्वाह में और इन चीज़ों में खर्च करते हैं। ऊपर से कम पैसा आता है, लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद हमने ना सिर्फ हुकूमत के एम्प्लॉयज़ का सैलरीज में इजाफा किया, पेंशन में इजाफा किया, रिस्क अलाउंस सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बंदोबस्त किया है, ना सिर्फ उनका जो कुछ हर जगह चैलेंज है, ना सिर्फ आइसोलेशन वार्ड में भी चैलेंज है, लेकिन हॉस्पिटल्स में भी चैलेंज है, तो रिस्क अलाउंस भी दिया। और हम अपने महदूद वसायल से अपना मुश्किलात के बावजूद उनको वही प्रायोरिटी देना चाहते हैं, और समझते हैं कि उनको ना सिर्फ वो फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन वो सिक्योरिटी की सपोर्ट। आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ फ्यू डेज अगो एक और सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट हुआ था जो नाकाबले बर्दाश्त है। तो डॉक्टर्स को, नर्सेज को, हमारा सेहत के निज़ाम को मुकम्मल सपोर्ट देना चाहिए, और वो स्टेक होल्डर्स हैं, वो हर फोरम पे हमारे सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने माजी में उनके साथ भी एक होके काम किया है। अब बजट सेशन इंशाल्लाह का हाइट हो रहा है, और CM साहब का एंगेजमेंट जो है वो जारी रहेगा, और हम मिलके ना सिर्फ ये बजट के फैसले, लेकिन जो हमारे इस वबा का मुकाबला करने के लिए हम मिलके इनका मुकाबला करेंगे। JPMC, NICVD, NICH, साउथ पंजाब का शेख जायद हॉस्पिटल, जो वफाकी हुकूमत ने एक पैंडेमिक के दौरान एक हमला किया है, हमारा हॉस्पिटल्स पे हमला किया है। जब भी मैं समझता हूँ कि और नहीं गिर सकते हैं तो मज़ीद गिरते हैं। ये अपना ही कैबिना के फैसले, PTI की अपनी कैबिना की फैसले के खिलाफ है, इसलिए PTI की अपना कैबिनेट का रेजोल्यूशन मौजूद है, जहां उन्होंने कहा कि ये सूबाई हुकूमतें के हैं और सूबाई हुकूमतों ही इनको चलाएंगे। तो ये उनका वादा था, उनका स्टेटमेंट था, लेकिन बजट में एक सियासी हमला किया गया इन इदारों पे। एक तो जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया कि जितना पैसा सिंध हुकूमत ने 3 हॉस्पिटल्स इन 6 में से के लिए रखा है, वो वफाकी हुकूमत के 6 हॉस्पिटल्स के बजट से ज्यादा है। वफाकी हुकूमत हमारे इन हॉस्पिटल्स को काफी देर से चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक पैंडेमिक के दौरान इस किस्म का तमाशा करना उनके बारे में ज्यादा, इट स्पीक्स मोर अबाउट देम देन इट डज अबाउट अस। अगर इस वक्त NICVD, JPMC और NICH वाकई वफाकी हुकूमत के पास चले जाते हैं, तो एक ये टीचिंग हॉस्पिटल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज के साथ जो लिंक्ड है, वो लिंक खत्म, वो टीचिंग हॉस्पिटल खत्म, हमारा जो नर्सेज और डॉक्टर्स में इजाफा की सख्त जरूरत है, जो हम इन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से करवा रहे हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। जो पैसा उन्होंने रखा है वो ना काफी है,
तो मतलब जो मुफ्त इलाज हो रहा है, जो डॉक्टर्स को प्रीमियम सैलरी मिल रहा है उनकी सबसे बेहतर केयर निकालने के लिए, वो सब कुछ भी खत्म। शायद कुछ डिपार्टमेंट्स भी बंद करना पड़ेंगे, इसलिए पैसा, जैसा आपने खुद कहा, इन सारे हॉस्पिटल्स के लिए नाकाफी है। ये मैंने नेशनल असेंबली में भी चैलेंज किया, मैं आपके सामने चैलेंज करता हूं, मैं पीटीआई को चैलेंज करता हूं, अगर ये चैलेंज जीत जाते हैं तो ले ले हमारे हॉस्पिटल्स। लेकिन आप मुझे दिखाए, एक दिखाए, हुकूमत का हॉस्पिटल दिखाए, एनआईसीवीडी का मुकाबले में आपने एक, एनआईसीवीडी में आप गिने, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने इदारे एनआईसीवीडी के हमने इस सूबा भर में खड़े किए हैं। मैं चैलेंज करता हूं पीटीआई हुकूमत को, एक दिखाए, एक हुकूमत का हॉस्पिटल दिखाए जो एनआईसीवीडी का मुकाबला कर सकता है। फिर आप अपना रेडिंग, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल जो इमरान खान का रिश्तेदार चला रहा है, उसका जेपीएमसी से मुकाबला करें। और फिर आप एक हॉस्पिटल दिखाए, एक हॉस्पिटल जो एनआईसीएच का मुकाबला कर सकते हैं, जो मेरा चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेरा चिल्ड्रन इमरजेंसी वार्ड से मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, एनआईसीवीडी का एक कार्डियक एग्जाम्पल, जेपीएमसी आपका रेडी लेडिंग हॉस्पिटल से कंपेयर करें, और एनआईसीएच, तो फिर मैं आपका यह मुतालबा मान देता। सच यह है कि इन्होंने एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया है। हमारे ये इदारे आलमी सतह पर अब मुकाबला कर रहे हैं। एनआईसीवीडी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुफ्त दिल के प्रोसीजर्स करते हैं, फैक्ट, फुल स्टॉप। ये कोई और ना हुकूमत पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर यह, ये नाइंसाफी है, तमाशा है, हम इनको छीनने नहीं देंगे। लेकिन इंसानियत के खातर इनको इस किस्म का नाइंसाफिया इस वक्त नहीं करना चाहिए। जी संजय, शुक्रिया संजय। कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा यू टर्न से, कौन सा बात से, कौन सा बयान से? सैलरीज और पेंशंस का ये डिबेट हो सकता है कि कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, जरूरी है, नहीं जरूरी है। मैं कहूँगा हाँ, आप कहेंगे ना। लेकिन इस वक्त जब आप एक पैंडेमिक में हैं, एक पैंडेमिक में जब मुआशी सूरत हाल भी मुश्किल है, जब आप चाहते हो कि बुजुर्ग जो है वो घर में रहें, बुजुर्ग आपका हाई रिस्क पॉपुलेशन है, तो मैं समझता हूँ इस वक्त मैं बहुत इसका ये जो फैसला लिया गया है, ये जो डिसीजन लिया गया है, ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त। ना सिर्फ आपका बजट बनाने के लिए या बुक्स बैलेंस करने के लिए, लेकिन आम आदमी का जिंदगी और सेहत बचाने के लिए, हमारे बुजुर्गों को तहफ़्फ़ुज़ इस ग्लोबल वबा के दौरान देने के लिए। तो मैं बिल्कुल समझता हूं कि इस वक्त जो भी आप समझते हो कि कम लोग होना चाहिए एम्प्लॉयड हुकूमत की तरफ से, आप समझते हो कि उनका तनख्वाह कम होना चाहिए, इस वक्त हम वो डिबेट ना करें। इस वक्त एक वबा के दौरान बिल्कुल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब तो मैं समझता हूँ कि फोकस शायद ज्याद नहीं कर रहा होगा NCOC की मीटिंग्स में या पता नहीं क्या, इसलिए मुझे हर NCOC की मीटिंग का पता है, मुझे हर NCOC की बारे में ब्रीफिंग दी जाती है, मुझे पता है कि किस तरीके से सिंध हुकूमत अपना इश्यूज वहां उठाते भी हैं,